हे गाइस, टेक इजी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको इंटरनेट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। हाँ जी, वो है एक वाईफाई अडाप्टर। अगर आप एक फास्ट, रिलायबल और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाईफाई अडाप्टर है जो आपके लिए बेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे वाईफाई अडाप्टर का जरूरत क्या है, क्योंकि आजकल हर डिवाइस के अंदर ही तो बिल्ट इन वाईफाई अडाप्टर होता है, लेकिन हर डिवाइस का रेंज और स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती। कभी कभी अपना लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए एक स्ट्रॉन्गर वाईफाई अडाप्टर चाहिए होता है, और ये तभी पॉसिबल होती है जब आप इस तरह एक अच्छी एक्सटर्नल वाईफाई अडाप्टर यूज करें। इससे आपको बेटर रेंज, बेटर स्पीड और गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मिलेगी। लेकिन वाईफाई अडाप्टर लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे पहला है स्पीड, दूसरा है रेंज, तीसरा है कॉम्पेटेबिलिटी, चौथा है यूएसबी पोर्ट्स एंड पांचवा है डिजाइन। तो पहले जानते हैं स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको किस स्पीड का जरूरत है। अगर आप गेमिंग करते हैं या 4K स्ट्रीमिंग करते हैं तो आप एक हाई स्पीड वाईफाई अडाप्टर चूज करें। तो दूसरा है रेंज। अगर आपका डिवाइस और राउटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप एक अच्छे रेंज वाला वाईफाई अडाप्टर चूज कीजिए। और तीसरा है कॉम्पेटेबिलिटी। आपका अडाप्टर के साथ आपका डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पेटेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए डिफरेंट वाईफाई अडाप्टर होते हैं। तो आपको वाईफाई अडाप्टर चूज करने से पहले इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0 मार्केट में अभी अवेलेबल है। यूएसबी 2.0 से यूएसबी 3.0 ज़्यादा स्पीड कैरी करता है। तो अगर आप एक फास्ट वाईफाई अडाप्टर चाहिए तो यूएसबी 3.0 चूज कीजिए। और पांचवा है डिज़ाइन। आपको इस तरह एक छोटा सा वाईफाई अडाप्टर चाहिए या एक्सटर्नल एंटीना वाला वाईफाई अडाप्टर चाहिए। एक्सटर्नल वाईफाई अडाप्टर ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करता है, लेकिन इस तरह छोटा वाईफाई अडाप्टर पोर्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप, मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 वाईफाई अडाप्टर्स जो आज के दिन में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो लेट्स गो। तो आप बात करते हैं टॉप 5 वाईफाई अडाप्टर्स की। तो सबसे पहला है टीपी लिंक आचार T3U+। ये एक ड्यूअल बैंड वाईफाई अडाप्टर है और ये 1300 Mbps स्पीड कैरी करता है। इस वाईफाई अडाप्टर का खासियत ये है कि इसमें एक एडजस्टेबल हाई गेन वाईफाई एंटेना होती है जो आपको अच्छी रेंज और स्टेबिलिटी देती है। तो ये वाईफाई अडाप्टर ऑनलाइन गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट है। सेकेंड नंबर पे है ASUS USB AC68 जो एक प्रीमियम वाईफाई अडाप्टर है। इसका 3x4 मीमो एंटीना डिजाइन इसको सुपर फास्ट बनाता है और ये अप टू 1900 Mbps स्पीड सपोर्ट करता है। अगर आप हेवी ड्यूटी गेमिंग के साथ डाउनलोड करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तीसरे नंबर पे है नेटगियर नाइटहॉक A7000 जो थोड़ा बल्की लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस में जबरदस्त है। इसका 4-स्ट्रीम डिजाइन अप टू 3000 Mbps तक स्पीड कैरी करता है और इसमें 3.0 USB पोर्ट सपोर्ट करता है। तो हेवी ड्यूटी यूजर्स के लिए ये एक अच्छी चॉइस है। और फोर्थ ऑप्शन में है टीपी लिंक का TLWN725N जो एक कॉम्पैक्ट और बजट फ्रेंडली वाईफाई अडाप्टर है। अगर आप सिंपल ब्राउजिंग और कैजुअल इंटरनेट यूज के लिए कुछ छोटा और अफोर्डेबल वाईफाई अडाप्टर ढूंढ रहा है तो ये ऑप्शन आपके लिए है। इस वाईफाई अडाप्टर का स्पीड थोड़ा सा कम है, जैसे 150 Mbps ले है, लेकिन पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छे है। और आखिरी में है डी लिंक का DWA192। इसका बॉल सेफ डिज़ाइन ही इसका USP है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। 1900 Mbps स्पीड और ड्यूअल बैंड सपोर्ट के साथ ये वाईफाई अडाप्टर भी गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 वाईफाई अडाप्टर जो आज के दिन में पॉपुलर है। हर वाईफाई अडाप्टर का एक यूनिक फीचर्स है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से वाईफाई अडाप्टर चूज करें। और दोस्तों, ये सभी वाईफाई अडाप्टर का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। आप चाहे तो उस डिस्क्रिप्शन का लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वाईफाई अडाप्टर को आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपके लिए फास्ट और रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो इनमें से आप कोई भी एक वाईफाई अडाप्टर को चूज कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो इस चैनल के ऊपर डालता हूं। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।